किसानों से भी जानेंगे, भी जो अपने विचार जरूर रखेंगे। कहाँ से हो जी आप? हम जींद से, राजपुरा बैंड गांव से। तो आप भी किसान हो? हम भी किसान हैं भाई साहब। तो आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का, जो आप आंदोलन कर रहे हो? सरकार कह रही है आंदोलन कोई रास्ता नहीं है, आपसी बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। हम बहुत दिनों से बाट देख रहे हैं, बातचीत 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 पे अटकी हुई है बातचीत, ये करना नहीं चाहते। यार जाते हैं तो ये आते नहीं, और ये तो बताऊं बुकाऊ और झूठी सरकार है। इस गंदी और भ्रष्ट सरकार हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं। देख झूठा और मरकार, उसका दादा भ्रष्ट का नाम, उसका दादा नाम खराब करने खातर और इस सरकार में मिल के और मारा इस ऐसी की तैसी करनी थी हमारी। किसानों का ऐसा बुरा हाल कर दिया, दूसरी अंत ने खुद भी पहले तो ट्रैक्टर लेकर संसद में पहुंच गया, मैं किसान किसान उसके साथ लग गया, तो आज किसान ने ट्रैक्टर बेच दिया, उसका खट्टर का गहना धर दिया ट्रैक्टर। कुछ लोग कह रहे हैं कि या तो दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर बेच दिया, अपना जमीन बेच दिया, उसके बारे में क्या विचार, क्योंकि सोशल मीडिया भी ये बातें हमारे को देखने को मिलती है। ट्रैक्टर भी बेच दिया और जमीन भी बेच दिया, उसकी सारी फैमिली बेच दी, उसका दादा इतना बड़ी आदमी था उसकी तो भी बेच दिया। हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों आज ये हरियाणा के जींद से राजपुरा गांव से कुछ किसान आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि भाई इनका जो गांव काफ़ी फेमस गांव और जो कंडेला कांड हुआ था उनमें भी इनके गांव का थोड़ा सा नाम आया था, उसके बारे में इनसे जरूर जानेंगे, इन किसानों से कि भी इनके क्या विचार हैं। आइए जानते हैं इन किसानों से इनके क्या विचार हैं। राम राम ताऊ, क्या कहना चाहोगे तभी जो किसान आंदोलन चल रहा है? भाई इसमें तीन काले कानून है, ये नहीं लेंगे, इतना चम हमने कितने दिन लागी हो? बोलो। और इतना ये कानून नहीं लेंगे, इतना ना जावांगे। और खट्टर साहब ने बताना चाहूँगा हमें वो दिन का कह, हरियाणा के कोनी, हरियाणा को तो लाखों के लाख आदमी आ रहे हैं, दो दिन में इस दिल्ली में जगह नहीं पाओगी अड़े रहने के लिए। खट्टर साहब तो कह रहे हैं हरियाणा के किसान नहीं है, तो पंजाब के आए हैं। खट्टर साहब तो कह रहे कहने लायक जे नू, तो ये नू भी कहा करते भाई जीरी अड़े खरीद, तो जीरी ने बेचने खातर जावा। हाँ जब ये नू बताऊँ ये यूपी की जीरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कड़ी है बेचो। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि भी किसान अपना धान या गेहूं कहीं पे भी बेच सकता है। हाँ, किसी भी स्टेट में किसी तरह कोई पाबंदी नहीं। हमें जब जींद में जीरी लेके जावा, हाँ उस टाइम पर वहाँ बीजेपी सरकार नूका है माले लेनी है, अब आया तो यूपी की जीरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सारे का एक तरफ कर दिया तो उनकी आज क्यों नहीं हो मारा रहा भाई, फिर यूपी की क्या तड़ाऊँ हमें, फिर जब हमने इब्बे लगनी रोक थी कड़ियाँ बेचने की, तो आज ईब क्या तनोबत होगी खड़िया। तो पहले जो किस आप फसल बेचने जाते हैं उसमें किसी तरह कोई रोक वगैरह नहीं थी? नहीं जी, जमा कदे भी नहीं हुई हमने। जो सरकार अभी कह रही है हमने ऑनलाइन मंडियां कर दी, इसमें भी भ्रष्टाचार नहीं होगा किसी तरह की और किसानों को बड़ी सुविधा मिलेंगी? इससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। कैसे? हमने ईब जितनी जीरी बेची होना है हमारे लिए तो भ्रष्टाचार तो भी आ गया है। जान दें गेट दें यूपी की जीरी है या पंजाब की जीरी है या फलाना की जीरी है। पंजाब की जीरी 50-50 मन जीरी जमींदार खरीद के नरोड़ मंडिया में लेके गेट दी। तो फिर जो कानून है इसके बारे में क्या विचार है? हमारा तो भाई इतना नहीं लेंदा नहीं, माम तो इसने जमा टुमावांगे इसने, तो कितने दिन लग जियो। खट्टर जी कह रहे कि ये आंदोलन से बात नहीं बनने वाली है, तो आपसी बैठ के ही हम इसमें बात कर सकते हैं। आपसी बैठ के बात करें तो इस तपल्ला कर लेंगे कितनी आन होगी, हमने तो रंजन 6 साल तक भी ऊपर हो गए। जो जमींदारों की भावनाएं सरकार समझ नहीं रही है या फिर सरकार कुछ और ही चाहती है, क्योंकि किसान कहता है कि सरकार तो बिहार वाला काम करना चाहती है, अब बस जाइए मजदूर मणके ना और फिर बोथनी बंदे, क्योंकि एक जमींदार जो एक कितनी कठिन परेशानियों से गुजर कर जब खेती करता है वो ही जानता है, क्योंकि रात का जो सर्दी का समय होता है और गर्मी जो जून जुलाई की गर्मी होती है, जैसे आपने लॉकडाउन में देखा कि सभी अपने घरों में बैठे थे लेकिन किसान फिर भी अपना दिन रात मेहनत करके अनाज उगा रहा था, और जो भी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन में कितना बुरा हाल हुआ लेकिन किसानों ने फिर भी अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, उन्होंने बड़े कठिन परिश्रम से मेहनत किया और जो आज हम अनाज खा रहे हो किसान की मेहनत से ही खा रहे हैं, न कि किसी और की मेहनत से, कोई अनाज बाहर से नहीं आता है, लेकिन किसानों के साथ फिर भी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है तो इसमें किसान बहुत नाराज है। और जिसमें कंडेला कांड हुआ था उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कुछ किसान कह रहे थे कि जब कंडेला कांड हुआ हमारे गाँव के 8 आदमी मरे थे, आज उदन तो 8 मरे थे, अच्छा दो मार दिए हमें उठे नहीं हटा। तो घर वालों के क्या विचार थे जब आप आंदोलन में आए थे भी, जो आप घर से निकले थे? घर ता है जब नू कह के गल ले थे चाहे सारे मर जाइयो उल्टा नहीं आना है मारे को लाले परिवार ने गांव ने, हमें उल्टे नहीं हटाएंगे, इतना क्रांतिकारी में इसका मैं रवांगे चाहे हमने सारे नाड़े गड़े मार दियो।
मारा पाछा बहुत सामा खड़े मतलब कानून आप वापिस करा के जाओगे वैसे जाने वालों में से नहीं हो आड़ा छह साल लग जियो आम इसी रोड ने भी छोड़ा नहीं देना पहले ये कुछ किसान थे और किसानों से भी जानेंगे भी जो अपने विचार जरूर रखेंगे कहाँ से हो जी आप हम जींद से राजपुरा बैंड गाँव से तो आप भी किसान हो हम भी किसान हैं भाई साहब तो आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का जो आप आंदोलन कर रहे हो सरकार कह रही है आंदोलन कोई रास्ता नहीं है आपसी बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है हम बहुत दिनों से बाट देख रहे हैं बातचीत 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 पे अटकी हुई है बातचीत ये करना नहीं चाहते यार जाते हैं तो ये आते नहीं अरे ये तो बताऊं बुकाऊ और झूठी सरकार है इस गंदी और भ्रष्ट सरकार हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं सरकार कह रही है कि किसानों के लिए हक के लिए लेके आप एक पढ़े लिखे समाज से आते हो तो आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे या सरकार आपको समझाना नहीं चाहती तो इसकी वजह आखिर क्या आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में सरकार तो एक भ्रष्ट है सरकार ने तीनों काले कानून मारो पर दक्कत हो पर हमने तीनों काले कानून आई कोई जरूरत नहीं है जैसे हम पहले थे वैसे ही बढ़िया हैं ये तो हमको मजदूर से भी नीचे फैक्ट्रियों में ये फैक्ट्री ला रहे हैं बाहर से अमरीका से और कहीं से फैक्ट्री ला रहे हैं उन फैक्ट्रियों में दिहाड़ी करने के लिए भाई किसानों को दबाया जाए और ये मजदूर बन जाए और ये फैक्ट्रियों में अपने थोड़े थोड़े पैसों में काम करें और जो सोशल मीडिया पे लोग प्रचार कर रहे हैं कि भी ये किसान नहीं है खालिस्तानी है और हरियाणा के किसान नहीं है उसके बारे में आपके क्या विचार है हरियाणा के किसान हम कहाँ से कोई पाकिस्तान से आ गए कोई और ऑस्ट्रेलिया से और कहीं से आ गए हम पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या हरियाणा के किसान है अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं और प्रूफ दिखाएं खट्टर साहब से पूछ लेना जींद से आए हुए हैं हमारा गाँव पूछ लेना बिंदर नंबरदार मेरा नाम है गाँव में पूछ लेना जाके चाहे तो जो ये अफवाह सोशल मीडिया फैलाई जा रही है कुछ न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे हैं कि भैया तो खालिस्तानी समर्थक हैं इस तरह की जो बातें की जा रही है जो ये चैनल वाले दिखा रहे हैं बिकाऊ मीडिया ये मोदी सरकार ने खरीद रखी है ये तो कहीं पर कुछ भी नहीं दिखता कहीं लड़कियों का बलात्कार हो जो वो नहीं दिखता किसानों के साथ जाती हो रही है पानी मार रही है वो भी नहीं दिख रहा इसको तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो हम तो ये कहते हैं भाई किसान सब पूरे भारत के किसान इकट्ठे हो जाओ नहीं अपने साथ ऐसा काम होना है कि हम फैक्ट्रियों से भी हमारे लात लगेंगी बाद में बेरोजगार होकर रोटी के लिए तरसेंगे कि एक रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ेगी हमको इसमें हरियाणा के जो MLA हैं MP हैं क्या कोई MLA MP आपके समर्थन में आया यहाँ पे नज़र आया कोई हमारे साथ तो एक ही MLA बलराज कुंडू MLA समर्थन में दिखा हमने तो और कोई नहीं और सारे भ्रष्ट MLA हैं आने वाले टाइम पर इनको बता देंगे अगर ये क्या है हमारे साथ नहीं लगते तो इनका हम आने वाले टाइम में बहिष्कार ऐसा कर देंगे इनको गांव में भी नहीं बढ़ने देंगे जूते मारेंगे इन्हें गांव में बढ़ते ही जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उप मुख्यमंत्री हैं जो अभी हरियाणा के उनके बारे में क्या विचार है जो पहले किसानों की बात करते थे और जो BJP सरकार थी वो भी कहती थी कि हम किसानों के साथ हो पहले हमने भी बहुत सारे प्रदर्शन उनके देखे कि वो कपड़े तक उतार देते थे ऐसे प्रदर्शन करते थे लेकिन अभी तक इनका किसी तरह की कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आई है वे दुष्यंत एक झूठा और मरकार उसका दादा भ्रष्ट का नाम उसका दादा नाम खराब करने खातर अरे इस सरकार में मिल के और मारा इस ऐसी की तैसी करनी थी हमारी किसानों का ऐसा बुरा हाल कर दिया दुष्यंत ने खुद भी पहले तो ट्रैक्टर लेकर संसद में पहुंच गया मैं किसान किसान उसके साथ लग गया तो आज किसान ने ट्रैक्टर बेच दिया वो उसका खट्टर का गहना धर दिया ट्रैक्टर उसने कुछ लोग कह रहे कि या तो दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर बेच दिया अपना जमीन बेच दिया उसके बारे में क्या विचार क्योंकि सोशल मीडिया भी बातें हमारे को देखने को मिलती है ट्रैक्टर भी बेच दिया और जमीन भी बेच दिया उसकी सारी फैमिली बेच दी उसका दादा इतना बड़ी आदमी था उसकी तो भी बेच दिया ये कुछ लोग थे जो अपने विचार रख रहे थे खट्टर जी के बारे में भी और जो सरकार है उसके बारे में भी क्योंकि सरकार का हिस्सा ये भी है और कुछ किसान और आए हुए हैं इनसे भी हम जरूर क्या कोई नहीं एक बार इनसे ले लेते फिर आपका शुक्रिया आ जाइए आप पीछे आ जाइए कोई बात नहीं आप पीछे आ जाओ वैसे आ जाओ पीछे आपका जरूर ले लेंगे बीच में ले लेंगे चलो करो स्टार्ट करो भैया बस और जो ये पंजाब के जो किसान आए हुए हैं तो उनके साथ अगर कोई बात होती है तो आपके आप लोग कहाँ पे खड़े मिलोगे उनको हमारा बड़ा भाई पंजाब हमारे साथ आया हुआ है अगर उस पर कोई दिक्कत आई तो जो सरकार दिक्कत देगी उसकी बाँह भी काट लेंगे और नेट भी उतार लेंगे उन्होंने ना सोचना कि पंजाब का है वो हरियाणा का किसान है हमारे साथ आए हुए हैं तो हरियाणा किसान है पंजाब को कोई दिक्कत आ गई तो इस सरकार की बाँह भी उतार लेंगे और नेट भी उतार लेंगे कोई भी कितना ही बड़ा हो